Okay. So let's start with the reserved keywords. Okay. So total, how many keywords we'll have? Total, we'll have 53 keywords, right? देख रिजर्व हम क्यों कहते हैं इसे, व्हाई वी कॉल इट एज रिजर्व, एनीवन कोई बताएगा? बिकॉज़ वी कांट यूज इट इन कोड, वी कांट यूज इन अ कोड. ओके, और कुछ? स्पेशल कैरेक्टर, they are part of Java language. Okay. Can I use these reserved keywords as an identifier? Use no. No. Right? That is the main reason. उसे हम reserved keyword कहते हैं. Okay? यानी कि कैसे? कि ये जो keywords हैं, in programming languages हमने देखा हुआ है. What? कि whenever we are going to write any program, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने देखा this one, right? तो जो कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, into that program we have to use some keywords, right? कुछ कीवर्ड्स हमें यूज करने पड़ते, तो without those keywords we are not able to write a program, ठीक है? तो फिर वो कीवर्ड्स कौन से हैं? Like यहाँ पे we'll have this class, public, static, void, int, those are the reserved keywords. और ये मैंडेटरी होता है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, कि वो रिक्वायरमेंट ही है ऐसा, कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं वी नीड टू यूज द आइडेंटिफायर्स, राइट? हमें आइडेंटिफायर्स यूज करना ही पड़ता है. अगर मुझे आइडेंटिफायर यूज करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे और कौन से कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं. ओके, ऐसे होता है. सो फॉर दिस keywords, okay, for these keywords we'll have one simple diagram. Okay, यानी कि categorize करके दिया हुआ है, आपको ठीक तरह से याद रहना चाहिए. Okay, so देखो यहां पे I'll tell you each keyword, हर एक keyword क्या करता है देखो, each कीवर्ड जो है अपना रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनैलिटी. ओके, मैंने अभी एक पूछा था कि आपको हम रिजर्व कीवर्ड्स, हम उसे रिजर्व कीवर्ड क्यों कहते हैं और एल्स कि हम वो क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हर एक जो कीवर्ड है, ओके, ईच कीवर्ड, जैसे कि फ्रॉम दिस प्रोग्राम क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड इंट, ओके, ये जो सारे चीजें हैं लाइक द क्लास, ओके, एग्जांपल मैं देता हूँ. ओके, एग्जांपल क्लास क्या करता है? क्लास एक फंक्शनैलिटी बताता है. देन पब्लिक कीवर्ड है, वो भी एक फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करता है. इंट, ओके, एक फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसे ये जो चीजें हैं कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करता है कि वो फंक्शनल एग्जीक्यूट करता है. ओके, तो उस चीज के लिए होता है हमारे पास कीवर्ड्स. सो नाउ यहां तक तो क्लियर है, राइट एवरीवन? कीवर्ड्स क्या होता है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. फाइन, चले. So, देखो ना, नाउ ये कीवर्ड्स कौन से हैं? ओके, नाउ दिस कीवर्ड्स, सो नाउ आउट ऑफ दिस कीवर्ड्स बोलने की बजाय विल कॉल इट एज अ रिजर्व्ड वर्ड्स. ओके, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे कहेंगे हम. ये रिजर्व्ड वर्ड्स में कौन से हैं? इसमें कुछ आते हैं अपने कीवर्ड्स, ओके, और कुछ आते हैं अपने पास लिटरल्स. ओके, सो आउट ऑफ दिस
ये चीज बताता हूं मैं, कीवर्ड्स और लिटरल्स, वो भी क्या होता है कि एक एक वर्ड है, ओके वो वर्ड्स क्या करते हैं कि कुछ मीनिंग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख, अभी मैं इफ आई टॉक, कीवर्ड्स होते हैं अपने पास टोटल 50, ओके विल हैव टोटल 50 कीवर्ड्स, एंड देन लिटरल्स होते हैं हमारे पास 3। अभी मैं सबसे पहले आपको लिटरल बता देता हूँ कि कौन से लिटरल्स है अपने पास, ओके ओनली विल हैव द 3 लिटरल्स, एक ट्रू, ओके एक फॉल्स और एक नल। अब मुझे बताओ ट्रू फॉल्स एंड नल ये चीज क्या कहते हैं। ट्रू का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय ट्रू? यस, इट्स अ वन सिंपल वर्ड है जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है, इट मीन्स ट्रू है कि फॉल्स है, उतना ही बताता है, राइट है कि नहीं? एक स्टेटमेंट को बताता है, एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके वो चीज बताता है, सिर्फ उस चीज के लिए है, दैट्स व्हाई दिस वन इज अ लिटरल। ओके नाउ इफ आई से हियर आउट ऑफ दिस 50 कीवर्ड्स, ओके जैसे कि हमने कहा था क्लास, इंट, पब्लिक, तो ये चीज क्या करता है, दीज आर द कीवर्ड्स, व्हाई? बिकॉज दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी बताता है, ओके उसके पीछे एक लॉजिक है, कंप्लीट कोड लिखा हुआ है उस चीज के लिए जावा में, ओके वो कोड हमें मैटर नहीं करता, ओके बट हियर दैट कीवर्ड इज हैविंग सम फंक्शनैलिटी, ओके और लिटरल में क्या करता है, लिटरल में सिंपली इट विल इंडिकेट वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स एंड नल, उसका स्टेट बताता है। ये फंक्शनैलिटी है क्या, आर दीज आर द फंक्शनैलिटीज? वो फंक्शनैलिटी नहीं है, सिर्फ वो चीज बताता है कि सही है कि गलत है, ओके उसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं है, इतना ही। इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ओके ये हम डिटेल में देखेंगे। सो नाउ क्लास, इंट, पब्लिक, ये कुछ मैंने एग्जांपल बताए थे, ओके सो लेट मी रिमूव दिस। आउट ऑफ दिस वर्ड्स, ओके आउट ऑफ दिस कीवर्ड्स विल हैव टू मोर थिंग्स, एक है यूज्ड, ओके यूज्ड अपने पास टोटल 48, ओके एंड विल हैव अनयूज्ड, ओके टू कीवर्ड्स। अनयूज्ड कीवर्ड्स 2 है। अब ये अनयूज्ड मतलब ये चीज हम कभी यूज करने वाले नहीं है, बट दीज आर दी एक्चुअल कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स रिजर्व्ड है जावा में बट हम यूज नहीं करते, ओके ये क्यों यूज नहीं करते हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ओके बट मीनवाइल अभी जो हमें यूज करने वाले हैं, कौन से लिटरल्स हम यूज करने वाले वो चीज मैं बता देता हूँ, ओके सो नाउ फर्स्ट यहाँ पे आता है एक इफ एल्स, इफ एल्स, व्हाइल, डू, ओके देन स्विच, क्लास, इंट, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं अपने पास, ओके ओके जस्ट अ सेकेंड वैभव एंड पूजा पटेल, ओके जस्ट अ मिनट्स। Just a minute, guys. Okay, fine. चलो तो ये क्या है, ऐसे कीवर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है, ओके वो सारी चीजें हम अभी नहीं देखने वाले, ठीक है? अगर हम ये चीजें देखते बैठे ना तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बन जाएगा पूरा,
ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि क्लास है, इंट है, पब्लिक है, स्टैटिक है, ओके, देन पब्लिक स्टैटिक, देन वी हैव द वॉइड, ओके, वेटिंग रूम में कौन है यार, कौन आ रहा है वेटिंग रूम में, जस्ट मिनट, समवन इज वेटिंग, तो ऐसे ना बहुत सारे कीवर्ड्स है, टोटल 48 कीवर्ड्स है, ओके, जब हम आगे बढ़ेंगे ना उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये एक फंक्शनैलिटी है, ये कीवर्ड है, ओके, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमें उसका करना क्या है. आई मीन टू से we'll have the two options. Either we can see all these keywords now, okay, जहाँ पे हमको functionality मालूम नहीं है अभी फिलहाल, okay. Otherwise, what we can do? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तब आपको automatically पता चलेगा कि ये keywords क्या है. दो option है. So, out of this, what I'll prefer कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उस time पे मैं बताते जाऊंगा. This one is the keyword. This is the keyword. Okay. So we'll At the end we'll count the total अपने पास 48 used keywords है कि नहीं, and then ये unused वाले जो दो है, then literal जो है वो हम आगे check करते जाएं. Is that okay, guys? Guys see थोड़ा सा अगर fast हो रहा है तो बता दो, okay? You can directly message me. Sir, can we go slow? In that way, आपकी जो कुछ भी रहेगा ना problem, वो ठीक तरह से resolve करेंगे. Fine? तो sir, हाँ, used में जो 48 words है, वो variable मतलब variable का क्या हम use नहीं कर सकते क्या? Yes. सिर्फ वो ही नहीं, total 53. आप true, false, null ऐसे भी use कर सकते हैं. आप go to, constant, okay, const, if, else ये हम use नहीं कर सकते. It means see, ये अपना program था, right? Let me remove all this. तो categorize क्यों किया फिर? हाँ, तो ये categorize क्यों किया? Okay, मैं बताता हूँ. देखो, very good. So अभी ना, if I'll say कि keywords for data types, okay? Keywords for data types, okay? अभी डेटा टाइप्स में कुछ कीवर्ड्स आते हैं, ओके, तो कौन से कीवर्ड्स आते हैं डेटा टाइप में? लाइक बाइट, ओके, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, ओके, बुलियन, देन फ्लोट, ओके, एंड कैर. एंड नहीं तो बोलोगे एंड भी क्यों बोले, ओके, और ये आपका कैर, ओके, फाइन. सो देखो, यूजुअली दीज आर द डेटा टाइप्स, ओके, ये अपने क्या है डेटा टाइप्स. सो देखो, सो दिस डेटा टाइप्स जो है, दोस डेटा टाइप्स, ईच डेटा टाइप इज हैविंग अ मीनिंग, राइट. जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था, हमने अभी तक तीन चीजें देखी थी. कौन सी देखी थी? एक इंटीजर, एक कैरेक्टर और एक स्ट्रिंग, राइट. ये तीन चीजें देखी थी हमने. ये तीन चीजें देखी. सो नाउ आउट ऑफ दिस थ्री, कैन आई यूज एनी वन आउट ऑफ दिस फॉर आइडेंटिफायर पर्पस? इट मीन्स यहां पे इंटीजर, ओके, इंट, ये जो कुछ 100 इंटीजर नम इक्वल्स टू 200, ओके. आउट ऑफ दिस टू विच वन इज वैलिड एंड विच वन इज इनवैलिड, बताओ. सेकंड इज वैलिड, सेकंड वन इज वैलिड. वैल्यू
This one is valid, right? This invalid. Okay, it's a invalid. और ये वाला valid. Why? Because it's an integer which has a value. It is an integer num which has a value. Right? So integer ये जो हमने identifier बोल के use किया है. Okay? Identifier जब हम usually declare करते हैं. तो उसका हमने एक ये देखा था क्या कहते हैं उसे सिंटैक्स. ओके वो सिंटैक्स कैसे था. यस यहाँ पे हम क्या लेते हैं डेटा टाइप राइट देन यहाँ पे वेरिएबल नेम राइट देन इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या देते हैं वैल्यू देना तो वैल्यू दे दो राइट एंड देन सिंपल. ये क्या था दिस इज आवर स्टैंडर्ड सिंटैक्स राइट. ये अपना सिंटैक्स था. सो नाउ फॉर दिस सिंटैक्स इंटीजर क्या है डेटा टाइप राइट. ये मैंने डेटा टाइप दे दिया. सो नेक्स्ट इज नथिंग बट दी वेरिएबल नेम. तो ये वेरिएबल नेम है. देन इज इक्वल्स टू देन वैल्यू दे रहे हम दैट वैल्यू इज नथिंग बट द 10 राइट. अगर हम इस हिसाब से जाएंगे तो क्या कहता है यहां पे सर ये चीज तो परफेक्ट बनना चाहिए राइट इन दैट वे. ऐसे इफ विल चेक द वेरिएबल्स रूल्स आइडेंटिफायर रूल्स. ओके आइडेंटिफायर रूल्स में क्या कहता है वी कैन नॉट यूज the keywords right. तो कौन सा keyword है हमें ये मालूम होना चाहिए right. That is the 53 keywords. So out of these 53 keywords कौन से keywords belongs to which category ये भी तो हमें चेक करना चाहिए right. यानी कि क्या है कि अपने पास keywords है देखो जैसे हमने बताया अभी which one की keywords for the data types keywords for the flow control keywords for the modifiers keywords for the exception handling keywords for the classes okay keywords for the object keywords for the return type okay yani ki kya hai ki flow control modifiers exception handling okay return type object literals ye jo sare cheeze hai na wo kya hai kuch concepts hai kuch concepts from java aur wo concepts mein will have the different keyword और ईच कीवर्ड इज हैविंग सम फंक्शनैलिटी राइट. जैसे कि यहां पे हमने बताया इंटीजर. ओके दिस इज इंटीजर. ये इंटीजर क्या बताया हमने इट्स अ डेटा टाइप. ओके मतलब क्या बोलता है कि दिस इंटीजर कैन स्टोर द नंबर्स. यानी कि ये इंटीजर जो है वो नंबर स्टोर करता है. ओके वो भी फ्रैक्शन में करता है. क्या कैन यू स्टोर लाइक 10.5 इनसाइड दिस इंटीजर. नो नो राइट. इफ आई वांट टू स्टोर द 10.5 देन मुझे क्या करना पड़ेगा फ्लोट और राइट. हमने ये चीज भी देखा था फ्लोट लेना पड़ेगा मुझे राइट. तो ये फ्लोट है ये इंटीजर है ये क्या है दीज आर द फंक्शनैलिटी राइट. वो एक कीवर्ड फंक्शनैलिटी बताता है ठीक है नहीं. वो चीज फंक्शनैलिटी बताता है और वो फंक्शनैलिटी जो है दोस फंक्शनैलिटीज दोस कीवर्ड्स और बिलोंग्स टू विच कैटेगरी वो भी हमें मालूम होना चाहिए. ओके उस चीज के लिए वी आर गोइंग टू कैटेगराइज इट. ओके समझ में आ रहा है क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं हम. यस देखो जैसे कि हमने बोला कीवर्ड फॉर डेटा टाइप. उसके बाद लेट से कीवर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल. तो फ्लो कंट्रोल क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं बट नाउ यहां पे मैं बता देता हूं लाइक इफ एल्स स्विच केस
while, do, for, break, continue, return, ओके ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं. ओके ऑल दिस कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज एवरीथिंग. ओके आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब और कैसे यूज कर रहे हैं. ओके बट आपको माइंड में रिमेंबर भी रहेगा कि हाँ दिस इज द कीवर्ड. ये फ्लो कंट्रोल वाला है, ये डेटा टाइप वाला है. ओके ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी, डोंट वरी. सो हमें पता रहना चाहिए कि दिस कीवर्ड इज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी. लाइक शॉर्ट belongs to the data type. Like while is belongs to flow control. Okay, then उसके बाद हमारे पास और कुछ है. Like keywords or exception handling. ये exception handling में concept है. Okay, जाओ में तो वो use करने के लिए we are going to use try, catch, finally, then throw. Then throws, then assert, ऐसे कुछ keywords है. Okay, so these keywords are belongs to exception handling. Okay, और ये exception handling, flow control, data types, ये सारी क्या है? Concepts है. Okay, उस concepts के अंदर we'll have the keywords and each keyword is having the functionality. Fine, okay. So in that way, we'll have the total 48 used keywords. Then two unused keywords. Unused by go to and const. Okay, because in our Java, we'll have one keyword called the final. Okay, so final क्या करता है? It's like behave like the constant. Okay. कॉन्स्टेंट अगर कॉन्स्टेंट क्या है वो मैं आगे बता दूंगा. ओके जब हम आगे बढ़ेंगे तब तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास. तो ये कॉन्स्ट का लेके क्या यूज है? वी डोंट हैव एनी यूज, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स अनयूज्ड. ओके देन एक गो टू. गो टू क्या करता है? इट विल डायरेक्टली जंप टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. ओके गो टू तो ये चीज भी हम स्किप करते हैं बिकॉज विल हैव बोथ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके वो कंपाइलर क्या करता है? पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करता है. ओके अगर हम इसके डीप में जाएंगे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बहुत ही कोर लेवल में जाना पड़ेगा. इट मीन्स लाइक विल हैव द हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? देन मिडल लेवल, देन लो लेवल, राइट? तो लो लेवल का जब तक जाना है लो लेवल तक, तो वहां पे वो इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये चीज तक जाने तक वो इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस वगैरह होता है कुछ. अगर यहाँ पे ENTC से कुछ बिलोंग करते हैं देन मे बी दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एड्रेस वगैरह, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस वगैरह कुछ होते हैं, राइट? सो नो नीड टू गो इन टू दैट डीप. सो जस्ट कीप इन माइंड कि दो चीज है अपने पास, एक गो टू एंड कॉन्स्टेंट जो हम यूज नहीं करते. ओके जैसे कि वर्जन चेंज होते जा रहे हैं अपने जावा के, उस हिसाब से यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी मोर दोज टू. ओके देर इज नो नीड टू यूज. हम आगे देखेंगे. So, यहां तक जो कंसेप्ट आ रहे हैं ना वो थ्योरेटिकल है. ओके सो अभी मुझे क्या कहना है? सो इन दैट वे इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग आउट द डिफरेंट कीवर्ड्स, ओके कीवर्ड्स ऐसे लिस्ट करने के बजाय इट मीन इट्स गोज लाइक द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? थ्योरेटिकल्स में चले जाएंगे फिर. सो ऐसे करने के बजाय व्हाट विल डू, विल गो द प्रैक्टिकल वे. इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. Very good. Expecting the same from you guys. क्योंकि हम theoretical नहीं देखेंगे, practically बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, यानी कि हमें पता चलेगा. Okay. So now,
इस कॉन्सेप्ट से हमें इतना तो भी पता होना चाहिए कि टोटल विल हैव दी 53 कीवर्ड्स, आउट ऑफ दिस 53 कीवर्ड्स, ओके नाउ विल हैव हियर 50 यूज्ड कीवर्ड्स एंड देन 3 लिटरल्स, ओके आउट ऑफ दिस अगेन विल हैव ये आपको बाद में रेफर करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सो आई विल मेक इट बिट गुड, ओके गुड। सो इस कीवर्ड्स में यहाँ पे रहेगा आपका अनयूज्ड और ये है आपका यूज्ड, ओके तो यूज्ड में टोटल 48, अनयूज्ड में 2, लिटरल्स में 3, ओके सो यहां तक फिर दिमाग में रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ओके इन इंटरव्यूज मे बी दे कैन आस्क कि हाउ मेनी टोटल रिजर्व कीवर्ड्स इन जावा, ओके सो यू हैव टू टेल देम लाइक द 53 कीवर्ड्स एंड आउट ऑफ दिस 53 टोटल रिजर्व वर्ड्स विल हैव द 50 कीवर्ड्स एंड 3 लिटरल्स, ओके उसको हम रिजर्व वर्ड्स ही कहते हैं, देन यूज्ड कितने हैं, अनयूज्ड कितने हैं, वो सारी चीजें, ओके यू कैन इजीली एक्सप्लेन देम इन डिटेल, फाइन। सो नाउ नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इट इज डेटा टाइप्स इन जावा, ओके सो इस हिसाब से हम एक एक देखते जाएंगे सो दैट यू नो आपके कीवर्ड्स भी वहीं पे कवर होते जाएंगे, फाइन। तो देखो डेटा टाइप्स, सो डेटा टाइप्स में ना दो टाइप के डेटा टाइप्स है हमारे पास, वन इज प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव, ओके मैं सिर्फ यहां पे लिस्ट आउट कर दूंगा, ओके बिकॉज दीज आर कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ इंटरव्यूज, ओके तो यहाँ पे मैं इतना चीज बता देता हूँ। सो प्रिमिटिव्स में देखो, प्रिमिटिव्स में कैसा है कि नंबर्स हम स्टोर करते हैं, राइट, फ्लोटिंग वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, राइट, हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं एंड वी कैन स्टोर द बुलियन रीजंस, ओके तो ये जो चार कैटेगरीज है, ये चार कैटेगरीज आते हैं आपके प्रिमिटिव्स में, ओके हमेशा दिमाग में रखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से है, लाइक नंबर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एंड बुलियन। अबे इनसाइड दिस, ओके इनसाइड दिस नंबर्स, नंबर्स में कैसे कैसे नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सी, लेट मी शो यू दिस वन, ओके यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कोई बताएगा, दिस वन ये क्या है, यस बाइनरी लैंग्वेज, कौन सी चीज का ये बाइनरी, बाइनरी राइट, ये बाइनरी के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, नंबर्स, नंबर्स, वेरी गुड ग्रेट, ओके बाइट कोड, बाइट कोड, ओके बाइनरी आगे वो बाइट कोड में बोल रहे हो, ठीक है, बट हियर ये जो नंबर्स है ना, सॉरी ये जो 01010 जो बीट्स है ना, बीट्स व्हाट वी कॉल इट इज अ बीट, ये बीट क्या करते हैं, ये बीट्स जब हम उनका क्या करते हैं सेट बनाते हैं, ओके लाइक 2 बीट्स 3 बीट्स 4 बीट्स, ओके ऐसे बना के जब हम रिप्रेजेंट करते हैं लिखते हैं तो वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है नहीं, सो नाउ इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग एवरीथिंग सिंपली आई विल टेक दिस वन, इतना एक चीज में उठा लेता हूं अपने काम के लिए आज के सेशन,
ओके एट दिस प्लेस. सो देखो नाउ आई वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट, आई वॉन्ट्स टू राइट वन, मुझे वन लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे? Yes, I want to write one. How can I write in a binary? Simply making the last bit as a one, right? यानी कि zero 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 one. ये आप चार के सेट में बनाते हैं, right? But ये जो तीन चीजें हैं starting के, चलो we are going to store it in a single value one. राइट सो नाउ ये हो गया आपका बीट, एक बीट हो गया राइट बीट. ओके एक ही जीरो पोजीशन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे बीट कहते हैं. उसके बाद होता है बाइट. बाइट में कितने बीट्स होते हैं? एट 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 बीट्स राइट. सो कैन आई कॉल दिस इज नथिंग बट माय बीट बाइट byte representation, right? देखो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, ठीक है? नहीं राइट. दर्शन पाटिल प्लीज म्यूट योर सेल्फ. ओके इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग देन प्लीज म्यूट योर सेल्फ. ओके ये क्या हो गया? बाइट हो गया राइट. ये बाइट. सो देखो नंबर में मुझे एक भी स्टोर करना है, अगर अदरवाइज आई कैन स्टोर 1 2 3, अदरवाइज आई कैन स्टोर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7. ओके यानी कि क्या हो गया, हम कैसे कहते हैं इसको, वन राइट. 1 2 3 को हम कैसे कहते हैं, 100 एंड 23, right? 123. ये कितना है बताओ? Yes. 12,345, right? यानी कि वो बड़ा बन रहा है ना नंबर. अब ये कितना है? 12,34,567. Right? So, यहाँ पे can I store, let's consider, अगर मैंने ऐसे बनाया, byte, byte, and here, I wants to store, क्या store करना है मुझे? 12,345. Okay? यानी कि byte number, okay, byte number is equals to 1 2 3 4 5. ये मैं स्टोर कर सकता हूँ क्या इसमें बाइट में? ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम कैसे बताएंगे कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं और नहीं कर सकते, राइट? कोई बताएगा कैसे? साइज ऑफ बाइट इज मैक्सिमम ऑफ 127. ओके राइट. यानी कि क्या हो गया कि हर एक जो डेटा टाइप है अपने पास, ओके हर एक डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, इट इज गोइंग टू होल्ड सम वैल्यू राइट. वो क्या करता है, होल्ड सम वैल्यू. और ये जो वैल्यू है और जो वी कैन कॉल्ड एज वैल्यू और डेटा, ओके कैन आई कॉल दिस 1 2 3 4 5 इज अ वैल्यू, उसको मैं वैल्यू बोल सकता हूँ क्या? This is nothing but the value, right? This is the value for this variable. Is it right or wrong? Right. Okay. सही है. So see. So अगर मैं इसको value कहता हूँ, okay? तो इसी को ही मैं data भी कह सकता हूँ. This is again my data, right? है कि नहीं?
सो वैल्यू और डेटा दोनों चीजें एक ही है. सो मेरा वन इज बिकम माई वैल्यू और डेटा, वन टू थ्री बिकम्स माई वैल्यू और डेटा, वन टू थ्री फोर फाइव इज माई वैल्यू और डेटा. ओके, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये भी मेरा वैल्यू है. लेट्स कंसिडर, ओके लेट्स कंसिडर, आई हैव वन, लेट्स कंसिडर बाइट, क्या करते मोबाइल नंबर यूज लेता हूँ, मोबाइल नंबर इज इक्वल्स टू, ओके लेट्स कंसिडर दिस इज माई मोबाइल नंबर, ये नहीं है, ओके रैंडमली हमने एक टेन डिजिट वाला ले लिया, ये क्या है, ये मोबाइल नंबर है राइट. बट ये मोबाइल नंबर जो है इसका भी कुछ साइज रहेगा ना, है कि नहीं, यानी कि आपने लिखा है टेन डिजिट, फाइव डिजिट तो लाख में आता है राइट, इट्स इन द लाख. अगर आप मिलियंस बिलियंस में अगर कुछ डेटा देना चाहते हो तो वो वैल्यू वो होल्ड कर पाएगा क्या बाइट वाला, तो वो कैसे, ओके वो कैसे होता है हम देखेंगे, ये चीज कैसे होता है वो चीज देखेंगे. इट मीन्स इट होल्ड सम वैल्यू, तो कितना वैल्यू होल्ड करेगा वो चीज देखेंगे. फाइन, सो नाउ हियर वी हैव द बाइट, ओके बाइट क्या करता है, एट बिट्स तक का डेटा होल्ड करता है राइट. देन मेरे पास क्या है शॉर्ट, ये शॉर्ट क्या करेगा, शॉर्ट इज अगेन डेटा टाइप, ये 16 बिट्स, यानी कि कितना हो गया 16 बिट्स मीन्स हाउ मेनी बाइट्स, 2 बाइट्स राइट, 2 बाइट्स. हाउ इट बिकम्स 2 बाइट्स, बिकॉज 8 बिट्स का मतलब क्या है अपने पास 1 बाइट राइट, तो 8 और 8 16, तो ये 16 बिट्स है मेरे पास, यानी कि 2 बाइट्स बन गए मेरे राइट. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू यूज द बाइट्स, ओके आगे हम अभी बाइट्स में बोलेंगे. फाइन, सो नाउ मेरे पास और एक डेटा टाइप है इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर का साइज है 4 बाइट्स, ओके 4 बाइट्स, यानी कि कितने बिट्स, 32 राइट, 32. फाइन, सो नाउ मेरे पास और एक है लॉन्ग, ओके लॉन्ग का है 8 बाइट्स, सो हाउ मेनी बिट्स, 64 बिट्स, 64 बिट्स राइट. तो ये जो है ना ये चीज ये है अपने नंबर्स के डेटा टाइप्स, ओके और ईच डेटा टाइप इज हैविंग सम साइज, ओके साइज, यानी कि क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, ओके मार्केट में जब भी जाएंगे तो हम कुछ बैग्स कैरी करते हैं राइट. तो सिंपली ऐसे समझ के ले लो, अगर आप सब्जी लाने जा रहे हो ओके तो आपके पास बैग अलग है राइट. और अगर आप डीमार्ट जा रहे हो कुछ ग्रोसरीज वगैरह परचेस करने के लिए फॉर द वन मंथ, तो वहां पे कितने बैग्स लेके जाते हो, 2-3 बैग लेके जाते हो और वो भी बड़े वाले राइट. क्यों, बिकॉज आप जो परचेस करने जा रहे हो तो दैट परचेस जो कर रहे हो दैट इज नथिंग बट द डेटा, यहाँ पे जो सब्जी खरीद रहे हो दैट सब्जी इज नथिंग बट द डेटा राइट. वो डेटा किस लिए है, कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, होल्ड किस में करेंगे, बैग्स में राइट. तो वो बैग इज नथिंग बट योर डेटा टाइप्स, समझ में आ रहा है एवरीवन, ये डेटा टाइप्स क्यों है हमारे पास. और कैन आई रिपीट वंस अगेन, इफ यू वांट देन आई कैन रिपीट गाइस, इज दैट ओके टू एवरीवन, ऐसा कुछ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा वगैरह, सर थोड़ा सा बताएंगे ये बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग क्या है, ऐसा कोई है नो राइट, ओके फाइन वेरी गुड. यस वर्षा, बाइट्स डबल डबल मिस वाड़ते ना. हाँ देखो
ये कैसे किया हुआ है, ये जो साइज है ना ये डबल डबल में ऐसे बढ़ते जाएगा, ओके यहाँ पे ऐसे बताया है, ओके यूजुअली एक डेटा का पैटर्न होता है उस हिसाब से ये बनाया हुआ है, ओके तो आप भी अगर हम देखेंगे तो 8 देन 16 देन 32 देन 64 देन 128 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ओके लेकिन अभी यहाँ तक ये इतना ही है, डबल डबल में बढ़ते जाएंगे। ये प्री डिफाइंड है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट राइट दिस साइज, ओके ओके। आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मैं एक चीज बताता हूं कि ये 64 बिट्स के बाद 120, अभी देखो ये 8 बाइट्स यानी कि कितना बता रहा है, कितने बिट्स जा रहे हैं अपने 64 बिट्स राइट। सो सर 128 पे भी हम जा सकते हैं क्या? Yes. ऐसे बोलिए, हो सकता है क्या? Yes? Yes. हो सकता है? Yes. लेकिन जावा क्या कहता है, भाई अपने पास तो नंबर के लिए इतने ही डेटा टाइप है, वो क्यों? वो बोला कि 128 जो बोल रहे हो आप वो नहीं है अपने पास, व्हाई? As I said, we'll have only this much of data types for the numbers. इसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना ही है, byte, short, int, long, बस, that's it. यहाँ तक आप store कर सकते हो, okay? लेकिन इसके आगे नहीं, क्यों? So, I'll tell you. आप जब operating system OS कहते हैं उसको, right? OS इंस्टॉल करते हो तो दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, एक 32 बिट और एक 64 बिट राइट, ऐसे दो ही है ना अपने पास, ये पे देखा है 128 बिट्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, नो राइट, यानी कि ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक बना ही नहीं है, ओके तो इसलिए आगे एक डेटा टाइप बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, ओके आपके माइक्रो प्रोसेसर तक 64 बिट्स तक ही हैंडल करेगा, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने पास दो ही टाइप के होते हैं, आइदर 32 बिट और 64 बिट राइट। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, ये कितना है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप 32 बिट। अगर आप ये चीज देखोगे कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम के बारे में तो आपको पता चलेगा आइदर इट्स 32 बिट और 64 बिट राइट। तो ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड होता है, अपने माइक्रो प्रोसेसर पे राइट। तो अभी तो कोई बना ही नहीं है, इसलिए हम यहीं तक रुकेंगे, ये अपने पास है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है 120 क्यों नहीं है? ओके यस थैंक यू ओके। हाँ तो यहाँ पे हो गया, अभी चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में ये वैल्यूज कितना होल्ड करता है हम देखेंगे और कैसे करता है, ओके सो देखो ना आप ही बताने वाले हो सारी चीज। मैं क्या करता हूं, बाइट नंबर इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू देना है तो मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं वो चीज हमें देखना है, फाइन। सो ना हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि कितना हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वन बाइट मीन्स 8 डिजिट राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए ना, ओके ना। इफ आई मेक
दिस बिट एज अ वन, तो कितना स्टोर कर सकते हैं वैल्यू इसमें? यस चलो, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा ठीक तरह से देखते हैं. नाउ ये फर्स्ट बिट क्या रिप्रेजेंट करता है वैल्यू यहाँ पे? वन राइट. देन सेकेंड बिट टू, देन फोर, देन एट. सो इन दैट वे देखो यहाँ पे आता है वन, देन टू, देन हाउ मच फोर, फोर, देन एट, देन सिक्सटीन, देन थर्टी टू, देन सिक्स फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ओके जीरो वन टू. ओके देन ये नेक्स्ट 128. ओके ये वैल्यूज वो रिप्रेजेंट करता है ये वाले, यानी कि क्या ना इफ आई मेक ऑल दीज वैल्यूज आर ए, दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो कितना बन गया बताओ टोटल? 8 बिट्स. 8 बिट्स हमने ऑन कर दिया, 1 बाइट, 128 पक्का, 127. ओके और कुछ? देखो चलो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 127 प्लस 128. चलो ना हम यहाँ पे करते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 32 265 ना. देखो कैलकुलेटर 128 प्लस कितना था 127, राइट? इट्स 255, ठीक है नहीं? तो यानी कि जब मैं 111111111 लिखूंगा तो कितना रिप्रेजेंट करता है वैल्यू? 255. सो नाउ यहाँ पे बाइट में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ मैक्सिमम? 255. मैक्स 255. ओके लेट्स चेक. देखो अभी हम क्या करते हैं, आई रिमूव दिस. ओके ये भी चीज मैं निकाल देता हूं. सो नाउ बाइट नंबर इज इक्वल्स टू 255. ओके एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड देन मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर. ओके सो नाउ लेट मी सेव दिस और मैं रन कैसे करता हूँ, हाउ वी कैन वी आर गोइंग टू रन दिस, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. ओके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं हम एंड देन व्हाट इज द सिंटैक्स और कमांड टू कंपाइल द प्रोग्राम? जावासी. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्रोग्राम? नेम ऑफ प्रोग्राम क्या है? एड. एड जिस क्लास में मेन मेथड है वो रहेगा, वो क्लास का नेम सेम रहेगा अपने फाइल का नाम. ओके एड डॉट जावा. सो नाउ हियर एड डॉट जावा कंपाइल किया, क्या बोलता है? एरर दे दिया उसने, राइट? क्या एरर दे दिया? इनकम्पैटिबल टाइप. देखो ये मैं एरर आपको दिखा रहा हूं, क्यों आगे जाके ना हमें बाद में ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे ये वाला एरर क्या था यार, नया ही एरर देख रहे हम कुछ, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, राइट? ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके
फॉर दैट रीजन इनकम्पेटिबल टाइप बोलता है, यानी कि जो तुमने वैल्यू दिया है ना वो कुछ तो अलग ही दिया है। और अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पे कि भाई 255 तक तो स्टोर करना ही चाहिए। ओके लेट मी चेक, प्रोग्राम में कुछ गलत है क्या? चलो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल मेक इट एज अ 2। ओके 2 करके देखते हैं। नाउ लेट मी कंपाइल दिस, अरे यहाँ पे तो कंपाइल कर लिया उसने। एंड लेट मी ट्राई विद जावा एड, राइट वैल्यू भी प्रिंट कर दिया उसने। नाउ इफ आई विल मेक इट एज अ 25, लेट्स चेक नाउ। चलो उसको हम जावा सी कंपाइल करते हैं, अरे ये भी चल रहा है, राइट 25 तक ले रहा है। देन लेट मी चेक 255, सी जब हम 255 देते हैं तो क्या बोलता है कि इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, इंट टू बाइट। यानी कि क्या कह रहा है, ये जो 255 जो है ना ये इंटीजर है और तुम बना रहे हो उसको बाइट। ओके तो डेटा लॉस हो सकता है, तो लॉसी कन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि क्या है, देखो सिंपल सी बात, आपके पास ना 2 ग्लास है। ओके लेट्स कंसीडर आपके पास 2 ग्लासेस। ओके एक बड़ा ग्लास है और आपके पास छोटा ग्लास, ठीक है ड्राइंग समझ के ले लो आप। सो नाउ ये जो ग्लास में जूस है अपने पास, ओके जूस ही कंसीडर करेंगे हम। सो ये जूस मैं इसमें डाल देता हूं। ओके तो जूस मेरा बाहर गिरेगा क्या, और इट विल बी कीप सेफली, इट मीन्स कंपेटिबल है फ्रॉम, ये मेरा ए वाला है और ये वाला बी वाला ग्लास, ये बी वाला इसमें बैठेगा ना, यस राइट। सो नाउ व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग कि ए वाले में जो मग भर के जो ग्लास भर के जो जूस है वो जूस में पूरा इसमें डालने की ट्राई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? यस नहीं होगा, ओवरफ्लो होगा ना। उससे क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो के क्या हो जाएगा, आपका जो जूस है आपका लॉस हो जाएगा वहां जूस, कैसे आधा भरेगा और बाकी का नीचे गिर जाएगा, राइट right? यानी कि बी टू ए कंपेटिबल है लेकिन ए टू बी कंपेटिबल है क्या? नहीं है। वो ऐसे क्यों कह रहा है, ये चीज वो बता रहा है, राइट right? कैसे ना, दिस इज इंटीजर, ओके इंटीजर है और ये क्या है अपना बाइट। ओके सो ना इंटीजर का साइज कितना बोला हमने, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ बाइट 4 बाइट्स, राइट फोर बाइट्स राइट, इसका 4 बाइट है। और बाइट का कितना है, 1 बाइट, राइट। तो बाइट्स इंटीजर में बैठ सकता है लेकिन इंटीजर बाइट में नहीं बैठ सकता, ओके और हम क्या बता रहे 255, और वो बोलते कि 255 जो तू बता रहा है भाई वो इंटीजर है बाइट नहीं है, अभी वो चीज कैसे, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट कहता है 255 यहाँ पे तो नंबर बैठना चाहिए 0 to 255, ओके वो होल्ड करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स का क्या, ये तो सारे पॉजिटिव बन गए ना, 1 2 3 4 5, 1 to 255, 0 to 255 आर दी पॉजिटिव नंबर्स, राइट ठीक है नहीं? हाँ ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो मैं नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर करूं,
अगर मुझे 0 माइनस 255 टू 0 अगर मुझे स्टोर करना है तो ये भी स्टोर करने के लिए कुछ तो स्पेस लगेगा ना, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? तो वो बोलता है डू वन थिंग, ये जो 255 जो है ना उसको आधा आधा कर दो, यानी कि कैसे माइनस 128 टू 127 ये रेंज में आप वैल्यू स्टोर कर दो। ओके ये दोनों मिला के कितना होता है देन 128 प्लस 127 कितना हो गया 255। सो टोटल आप 255 नंबर्स का जो रेंज है ना यहां तक का रेंज आप स्टोर कर सकते हो, यानी कि 0 टू 127 ओके, और यहां पे 0 से पहले माइनस होता है ना इस साइड पे, तो माइनस 128 टू माइनस 128 टू 0 टू 127 इस रेंज में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन गाइस? यस पक्का समझ में आ रहा है? बिकॉज देखो ये बाइट समझ में आ गया ना, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग आगे के जितने भी डेटा टाइप्स है सारे समझ में आ गए। रोहित सर एक सेकंड। हाँ यस अभी आपने जो बताया बाइट और इंटीजर दोनों में मतलब मेरे को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हो? यस 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 थैंक यू। देख नाउ ये है मेरा बाइट ओके और ये है मेरा इंटीजर ओके। इंटीजर का साइज कितना है 4 बाइट्स और बाइट का साइज कितना है 1 बाइट ओके। बाइट का 1 बाइट है और इंटीजर का 4 बाइट्स ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज। सो नाउ देखो अब हम क्या करते हैं, ये बाइट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, यहाँ पे ऐसे बताएं टोटल 8 बिट्स होते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके ये हमने 8 बिट्स बना दिए तब जाके बनता है ये बाइट ओके। और उसमें भी जब हम 1 2 3 4 5 ओके जब हम सारे बिट्स 1 1 1 1 करते हैं तो इसका टोटल बनता है अपने पास 255 ओके, यानी कि हम 0 टू 255 हम स्टोर कर सकते हैं ओके। बट विल हैव नेगेटिव नंबर्स आल्सो ओके। सो नेगेटिव नंबर अगर मुझे स्टोर करने हैं तो वो कहता है कि ये जो 255 का जो साइज है ना तो वो साइज दो चीजों को दे दो, एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को। सो नेगेटिव का माइनस 128 टू 0 तक हम स्टोर कर सकते हैं ओके, 0 टू माइनस 128 यहां तक ओके। एंड पॉजिटिव 0 टू 127 तक हम स्टोर कर सकते, यानी कि क्या हो गया देखो दो भाई है ओके भाई बहन है टू चाइल्ड्स और उनके पास 255 रुपीज है पेरेंट्स के पास, द पेरेंट इज हैविंग द 255 रुपीज एंड ही वांट्स टू गिव इट टू देयर चाइल्ड्स, तो क्या करेंगे आधा आधा करेंगे ना, दे विल मेक इट अ डिवाइड करेंगे, तो एक डिवाइड करके एक बंदे को दे दिए 128 और दूसरे को दे दिए 127, तो उनके पास जो थे पेरेंट्स जो थे नंबर जो थे ना पेरेंट्स पेरेंट्स जो थे उनके जो दो चाइल्ड थे एक था नेगेटिव नाम का और एक था एक पॉजिटिव ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव का काम क्या है माइनस वाले नंबर स्टोर करना ओके।
और पॉजिटिव वाला क्या है, प्लस वाले नंबर स्टोर करना, ये दो चीजें करते हैं प्लस वाले नंबर्स। तो पेरेंट्स को ना दोनों को भी तो देने हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये 255 जो साइज बना था तो उसमें से आधे इनको दे दिए, यानी कि उनको बोलते तू 127 तक तू स्टोर कर, सॉरी 128 तक तू स्टोर कर 02, और तू 127 तक पॉजिटिव स्टोर कर। ये चीज हो गया बाइट के लिए। ओके पेरेंट कौन है अपना, बाइट पेरेंट है। सो इन दैट वे इंटीजर का क्या साइज है अपने पास, इंटीजर का साइज क्या है, 4 bytes. सो नाउ लेट मी टेक दिस हेलो 4 times. ये एक सेट बना दिया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके नाउ अभी क्या करो, इन सब को ना 1 set कर दो, ये सारे बिट्स को मैं क्या कर रहा हूं अभी 1 set कर रहा हूं। ओके तो आप बोलेंगे सर अगर हमने अभी ये सबको 1 set कर दिए, ये पूरा सेट है एक साथ है, मैं सिर्फ स्पेस देके अलग अलग कर रहा हूँ जो कि इजीली समझ में आना चाहिए 88 बिट्स के हिसाब से। ओके तो हमने इसको 1 set कर दिया। तो देखो कितना बन रहा है देन, ये फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, यस 1। मैं ये चीज भी उठा लेता हूँ यहां से, यही है ना, द सेम थिंग वी आर डूइंग एट दिस प्लेस, राइट। ये पहला बीट 1, यानी कि 1 2 4 8 16 32। सो नाउ ये वाला बीट क्या रहेगा अभी बताओ, द वैल्यू ऑफ दिस बीट 256। क्यों, बिकॉज प्रीवियस वन इज 128, राइट। तो जब नेक्स्ट जा रहे तो ये बन गया 256, इसके आगे वाला कितना बन गया, ये वाला 512, राइट। देन उसके आगे वाला कितना बनेगा, देन 1024, राइट, है कि नहीं, नेक्स्ट बीट। देन उसके आगे वाला बीट क्या बोलेगा, 2048, राइट, है कि नहीं। सो इस हिसाब से ऐसे आगे 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 बढ़ते जाएगा यहां तक, राइट। ये टोटल कितने हैं, 32 बीट्स है अपने पास, राइट। तो इस पोजीशन तक जब आएंगे तो उसका साइज क्या बनेगा देन, यस, तो बहुत बड़ा है, राइट, बहुत बड़ा साइज बन जाएगा उस हिसाब से वाला। सो ये डिफरेंस है आपका बाइट और इंटीजर में। इससे इंटीजर में आने से पहले विल सी दिस वन, ओके, बाइट वन। तो देखो जब मैं बाइट पे आ रहा हूं, ओके, मैं बाइट में यहां तक कहां तक स्टोर कर सकता हूं पॉजिटिव नंबर, यस 127, राइट। लेट मी टेक दिस 127 एंड लेट मी सेव इट, सेव कर दिया। And now, let me clear it and let me compile it. हो गया compile? हो गया print? 127, right? So now, if I make it as a 128, चलेगा? Yes? No. क्या बताया उसने? सेम एरर, राइट, इनकम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल टाइप। 128 को इनकम्पेटिबल बताता है और 127 को वो
ओके बोलता है, ऐसे क्यों? इंटरव्यू क्वेश्चन, इफ आई डिक्लेयर अ बाइट, ओके, एंड इफ आई गिव द वैल्यू एज अ 127 इट विल वर्क, एंड इफ आई गिव द 128 तो वो नहीं करता, क्यों? पॉजिटिव 127 तक है ना, पॉजिटिव 127 बिकॉज क्या ये, बिकॉज बाइट इज हैविंग अ रेंज, बाइट का क्या रेंज है, इसको हम रेंज कहेंगे, राइट? ये बाइट का जो रेंज है, बाइट का रेंज नेगेटिव के लिए 128 तक है और पॉजिटिव के लिए 127. सो बाइट्स, बाइट रेंज इज फ्रॉम माइनस 128 टू प्लस 127. आगे समझ में? यानी कि देखो, यानी कि इफ आई गिव इट हियर माइनस 127 चलेगा? यस, चल गया ना, कंपाइल हो गया, यानी कि सिंटैक्टिकली बराबर है. देखो माइनस 127 ना, इफ आई मेक इट इज माइनस 128 चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा, राइट? क्यों चलेगा भाई? उसका रेंज माइनस 128 टू जीरो है. यस, माइनस 128, राइट? तो हमने माइनस 128 दे दिया, तो बोलेगा ठीक है ना, चलेगा. ना इफ आई मेक इट 129, तो अब ये चलेगा? Yes, is it work? No. नहीं, राइट? बोलेगा ये नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है एवरीवन बाइट का कॉन्सेप्ट? जी रोहित सर. एवरीवन पक्का ना? देखो समझ में आया ना, आया ना, खुश होने का कभी. यस, आई गॉट द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कुछ तो अपने, राइट? एवरीवन इज हैप्पी, खुश है, समझ में आ गया अपने को, राइट? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन मी द शॉर्ट. शॉर्ट का क्या है साइज? व्हाट इज द साइज ऑफ शॉर्ट? टू बाइट्स. ओके, नाउ लेट मी राइट इट हियर. शॉर्ट डेटा टाइप. ओके, नाउ फाइंड द रेंज. रेंज बताओ, रेंज क्या रहेगा इसका, बताओ भी आप लोग. पहले अगर इसका रेंज निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इसका साइज देखेंगे. साइज क्या है, व्हाट इज द साइज? शॉर्ट का साइज कितना है? 16 बिट्स. इट मींस 2 bytes, राइट? इट्स अ 2 bytes. 2 bytes. यानी कि क्या हो गया, पहला तो मेरे पास, सॉरी, ये वाला 1 byte है, 1 byte, और ये 2 byte. यानी कि मेरे पास रेंज कितना रहेगा, इतना है कि नहीं? सो नाउ यहां से पूरा उठा लो आप, आपके पास दिस वन, ये रेंज मैंने उठा लिया यहां से और मैंने डाल दिया यहाँ पे. सो नाउ फाइंड आउट द रेंज एंड टेल मी कि सर इसका रेंज इतना है. यस एवरीवन, अगर बाइट समझ में आ गया ना, तो शॉर्ट आना ही चाहिए. नेट से कॉपी मत करके देना.
65536. Varsha Mahajan is saying it's a 65,536. Now that is the total, right, Varsha? Yes, sir. So now tell me the range of short then. Positive or negative numbers tak ka range. Zero to 127. Nine. No. So that number divided by 2 plus minus or plus make come. So batao range batao. Zero minus or dono batao. Vaishnavi is saying like minus 32,768 to 32,767. Right, sir. Right, correct one. So this one is the range. Correct it? This one is the correct one, right? सही है ना. अभी ये कैसे आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया थोड़ा बताएगी, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. कोई है ऐसा कि जिसको समझ में नहीं आया कि ये वाला रेंज क्या है? कैसे बना रहे हम ये रेंज? किसी को डाउट है तो पूछो गाइस, बिंदास. यस रोहित सर, मुझे नहीं आया. हाँ समीना, वेरी गुड. और कौन है सर? मुझे भी नहीं समझा. राजेश, वेरी गुड. और बाकी सबको समझ में आ गया? प्रणाली, प्रज्ञा, पूजा, मानसी, दर्शन, भावना, अमर, गॉट इट सर, प्रणाली. ओके, वेरी गुड. एटलीस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. फाइन देन. चलो अभी जिनको समझ में नहीं आया उनको बताता हूं. ओके फाइन. So, see, let me remove this. और देखो यहाँ पे ना ऑलरेडी मेरे पास 8 बाइट्स का हमने बनाया हुआ है. ओके मैं ये उठा लेता हूं. ओके सो देखो यहाँ पे ये जो जीरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन. राइट ये जीरो टू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फोर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिक्स एट, ये वाला सिक्सटीन, ये वाला 32, दिस वन 64, दिस वन 128, दिस वन 256, दिस बिट 512, दिस बिट 128, दिस बिट 248. सुना ये नेक्स्ट वाला क्या रहेगा बताओ? यस yes, इसका डबल कर दो कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर ले लो. 4096 2048. ओके उसका डबल करना है. ओके मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया? 4096. राइट सो सी नाउ हियर दिस बिकम्स माय 4096. अभी एक बीट बाकी है ना, दिस वन. ओके तो इसका डबल करो 4096 का. 4096 का क्या रहा डबल? 8192. राइट देखो 4096 8192 मल्टीप्लाइड बाय 2 8192. राइट
तो ये बन गया मेरा 8192। ओके सो उसके आगे वाला क्या बता रहा है मुझे? द नेक्स्ट बिट इसका डबल हो जाएगा राइट 16384 राइट यस। तो उसका भी हमने डबल बना लिया तो 32768। तो टोटल ऐसे हम आगे करते जाएंगे तो 16 बीट तक हमें मिलता है 65536। ओके राइट ये फाइनल रेंज वाला मिल जाता है। तो उसको हमने क्या किया सेम वे यहां पे जो है उस बाय शॉर्ट इज अ पेरेंट उसके दो बेटे हैं एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव। ओके तो निगेटिव और पॉजिटिव ये जो दो बेटे हैं उनको आउट ऑफ दिस कैलकुलेटर अपना कैलकुलेटर में प्रीवियस नहीं आएगा राइट ठीक चलो 1 × 2 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ओके 02 ये ले लेता 65536 ये जो टोटल आ रहा है अपना 65536 65536। तो इसको हमने आधे पॉजिटिव को दिए और आधे नेगेटिव को दिए। ओके तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को दे रहे तो नेगेटिव में चले जा रहे अपने -32768 और पॉजिटिव में आते हैं अपने 32767। ओके someone is saying got it sir Samina says got it ओके फाइन वेरी गुड प्रणाली सिंह got it फाइन ओके ये चीज यहाँ पे समझ में आ गया अभी सुनना चलो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं इनटू दिस प्रोग्राम लेट मी मेक इट एज अ शॉर्ट। अब ये जब मैंने बाइट किया था ना दिस इज द बाइट 129 क्या कर रहा था स्टोर नहीं हो रहा था ना सो इफ आई मेक इट एज अ शॉर्ट तो चलेगा क्या नाउ इज इट गोइंग टू वर्क यस सी शॉर्ट पे चल गया 129। सो नाउ मैक्सिमम हम कितना वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए -32768 चलो अब ये रन करके देखते चलेगा चल गया राइट सो नाउ दिस विल वर्क। नाउ अगर इस चीज को मैंने 9 कर दिया तो वो चल रहा है क्या फिर यहाँ पे भी क्या बता रहा है पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट पहले क्या आता था फ्रॉम इंट टू बाइट राइट अर्लियर वी आर गेटिंग लाइक इंट टू बाइट बट नाउ इंट टू शॉर्ट बिकॉज जो आपने डेटा टाइप दिया है ना वो तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है जावा में वो कौन सा वाला कंसिडर करता है इंटीजर राइट सारे नंबर्स को वो ट्राई करेगा छोटे नंबर्स को कि इंटीजर में कन्वर्ट करे। ओके सारे नंबर्स को क्या करता है अगर उसके रेंज के बाहर जा रहा है देन इट विल कंसीडर इट एज अ इंटीजर। गेटिंग इट गाइस यस यस एवरीवन पक्का यस वेरी गुड। अगर आपको ये दो चीजें पता चल गए लाइक इंटीजर शॉर्ट एंड लॉन्ग ओके अभी तक हमने तीन चीजें देखी कौन से 1 इज
बाइट शॉर्ट इंट, तो लॉन्ग में क्या रहेगा सोचो फिर, 8 बाइट्स लॉन्ग में, तो इसका पूरा डबल बन जाएगा राइट। ये जो हम सीन देख रहे इंटीजर का, इसका पूरा डबल बन जाएगा वो, यानी कि इन दिस वे, लेट मी टेक इट कंप्लीटली फर्स्ट। Okay, let me take this once again. जो मैं पूरा ले लेता हूँ और मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे, तो ये कौन सा वाला बन रहा है अपना, long, right? तो ये हो गया अपना 32 bit. Okay, तो उसके आगे हमें और 32 add करने हैं. देखो ये सारे बीट्स को हम वन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, ये तो 32 यहाँ पे आ गया। ओके तो दिस वन इज नथिंग बट आर 64 बीट। तो अभी करो एडिशन, टोटल कितना होता है, डोंट डू दैट। ओके जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आया वो इंपॉर्टेंट है। ओके ये बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है, इट मींस लाइक आपके पास उतने पैसे आए सबके पास कि अपना सैलरी लिखने के लिए लॉन्ग डेटा टाइप यूज करना पड़े डेवलपर को, है कि नहीं? तो फिर देखो वो नंबर कितना बड़ा बन जाएगा। इंटीजर में क्या, तो ये बहुत है नहीं, फिलहाल तो इंटीजर में कर दे बोलने का उसे। इंटीजर में साइज क्या बन रहा है अपना, दैट वन अगेन गोज वेरी लॉन्ग राइट। आप बोलोगे सर इंटीजर ठीक है, शॉर्ट में रहा तो भी हम खुश हैं राइट। शॉर्ट में खुश है, नहीं हम शॉर्ट में थोड़ी ना खुश, हमें इंटीजर तो भी मिनिमम मिलना चाहिए राइट। शॉर्ट पे शॉर्ट ही होगा, हाँ वही देखना था मुझे क्या बोलेंगे सर, शॉर्ट तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, बहुत शॉर्ट है, उतना तो कोई भी कमा लेते। मिनिमम थोड़ा सा इंटीजर में डालो, तो इंटीजर का रेंज क्या बन रहा है अपना, नाउ देन टेल मी द रेंज ऑफ इंटीजर देन। इंटीजर रेंज इन जावा कितना आ रहा है, देखो इंटीजर 32 बीट राइट, तो इतना बड़ा इस साल का भी नहीं होगा। राइट बहुत बड़ा हो जाता राइट, बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली, छोटा ही है। तो उतना कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तो वो भी मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि ये पॉसिबल नहीं है, लोगों के पास है इतना पैसा, अपने पास भी आएगा, मेहनत करना पड़ेगा ठीक है। वो हम आगे देख लेंगे, डोंट वरी। सो नाउ एज ऑफ नाउ आर वी गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, यस एवरीवन, यस सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना पक्का? यस सर। सो नाउ इन दैट वे, जैसे कि नंबर्स के कुछ चीजें हैं अपने पास, उसी हिसाब से अपने पास फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर करना पड़ता है राइट। फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू मतलब कैसे होता है, 10.5, 9.5।
Yes, float values. Float data type लिख देता हूँ मैं. Okay, float data. यानी कि उसमें क्या हो जाएगा? 10.5, 3.14, right? 1, 2, 3, 4, 5 dot this. अगर मेरे पास ऐसे कुछ नंबर रहा, तो can we store it? क्या हम स्टोर कर सकते हैं? Yes. तो देखो, ये भी हमें स्टोर करना है और ये भी हमें स्टोर करना है. तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए बोल देता है वी हैव द टू डेटा टाइप्स. ओके, एक है फ्लोट जिसका साइज है 4 bytes, यानी कि कितने बिट? 32 bits. नाउ एक है मेरे पास डबल जो 64 bits, यानी कि कितने bytes? 62. यानी कि कितने bytes? 8 bytes, right? तो ये है दो डेटा टाइप्स फ्लोटिंग पॉइंट में, एक फ्लोट और दूसरा डबल. गेटिंग इट? यस. एक फ्लोट और एक डबल. सो नाउ आप बोलोगे सर अगर मैं लॉन्ग डिफाइन किया, इट मींस देखो यहां पे आई टाइप इट. व्हाट आई डू सर, बाइट नम लिख के उसमें 1, 2, 3, 4 ये प्रॉब्लम दे रहा है हर बार, राइट? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बाइट, अगर मैंने इसको डायरेक्टली लॉन्ग ही कर दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहां पे ये क्या है, शॉर्ट है, राइट? शॉर्ट इज अ डेटा टाइप, नम इज अ वेरिएबल और ये हमने दिया उसको वैल्यू. ओके, तो जब हम ये रन करके देखते हैं तो क्या बता रहे हैं? पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन, राइट? तो ये रेंज का ना हम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते. सबसे बड़ा क्या है अपने पास? लॉन्ग है. सो लेट मी टेक इट एज अ लॉन्ग. ओके, नाउ इसको मैं कंपाइल करता हूं, क्या आएगा? एरर आएगा कि रन होगा? रन होगा, रन हो जाएगा, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? हम बार हर बार ये इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट ऐसे यूज करने के बजाय, ओके, डायरेक्टली ऑलवेज विल यूज द लॉन्ग. सही है ना? नंबर क्या आएगा मालूम नहीं है हमें, तो बेटर वे विल यूज द लॉन्ग. यहाँ पे अभी आप कुछ भी दे दो, 1, 2, 3 इतना भी दे दो, चलेगा क्या? यस. टू लार्ज बोलते हैं, उसके रेंज के बाहर जा रहे हो. ओके, उसके रेंज के बाहर जा रहा है. सो लेट मी टेक इट बिट लोअर. ओके, ये चल गया. तो यानी कि क्या बोलता है कि नंबर्स का जो ये है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा अगर आप लॉन्ग यूज कर रहे हो, ठीक नहीं? तो बाइट और शॉर्ट क्यों ले? क्यों के लेट्स कंसीडर लॉन्ग के लिए ये मेरा मेमोरी है. क्या ये मेमोरी? ओके, लेट्स कंसीडर दिस वन इज माय मेमोरी. उस मेमोरी में लॉन्ग जब मैं यूज करूंगा तो लेट्स कंसीडर वो इतना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, कब? जब मैं यूज करूंगा लॉन्ग. ओके, और मेरा रिक्वायरमेंट ही है कि हमेशा मैं 3 digit नंबर से सेव करने वाला हूँ और 4 digit नंबर से सेव करने वाला हूँ. अदरवाइज मैक्सिमम मैं 127 तक ही स्टोर करने वाला हूँ, मैक्स नंबर इतना ही आने वाला. मेरे बैच में स्टूडेंट्स है उनका स्ट्रेंथ जो है टोटल 127 तक ही रहने वाले.
ओके तो मैम मैं लॉन्ग डिक्लेयर करके फायदा है क्या कुछ उसका? यस यस नहीं राइट तो वहां पे क्या हो जाएगा अगर मैं शॉर्ट डिक्लेयर कर देता हूं तो यहां पे लेट्स कंसीडर वो इतना ही मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी का आपके रैम का सॉरी मेमोरी का नहीं शॉर्ट इतना ही ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पे मुझे स्टोर करना है 123 तो ये भी होल्ड करेगा 123 तो ये भी होल्ड करेगा लेकिन स्पेस ज्यादा कौन ले रहा है मेमोरी का इस डेटा टाइप? यस लॉन्ग 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 राइट और आपका रिक्वायरमेंट क्या है डिजिट नंबर राइट 123 तक ही नहीं शॉर्ट शॉर्ट आपका रिक्वायरमेंट है और खाली के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हो लॉन्ग राइट साइज खाली के लिए आप बड़ा ले रहे हो तो इट्स अ अनयूज्ड मेमोरी सॉरी वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाता है यानी कि आप क्या कर रहे हो डेयरी से 1 लीटर दूध लाने के लिए आप अपना डीमार्ट का बैग लेके जा रहे हो बड़ा वाला और बिग बाजार का और रिलायंस मार्ट का कुछ तो देते हैं ना वो बड़ा वाला बैग वो वाला बैग लेके जा रहे हो कुछ फायदा है यार एक दूध का पॉकेट तो लाना है तो छोटा वाला बैग लेके जाऊंगा ना मैं बड़ा वाला क्यों लूं राइट तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अपना हो जाता है सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ओके बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स वी आर गोइंग टू यूज द डेटा टाइप्स समझ में आ रहा है ओके तो ये बन गया अपना फ्लोट ओके और नेक्स्ट है कैरेक्टर कैरेक्टर में कैरेक्टर यानी कि कैसे रहते हैं एक एक रहते हैं राइट ए बी सी डी एक कैरेक्टर है वो राइट तो कैरेक्टर्स का साइज है आपने पास 2 bytes व्हाई बिकॉज इट स्टोर्स यूनिकोड्स यूनिवर्सल कोड स्टोर करने के लिए ओके यूनिवर्सल कोड स्टोर करने के लिए बाइट कोड यूज किया जाता है ओके अभी देखो ये यूनिकोड्स क्या होता है यूनिकोड्स के वैल्यूज यूनिकोड मैं बता देता हूं यानी कि ये यूनिकोड क्या करता है कौन से भी नंबर रहने दो ओके नल कैरेक्टर्स लाइन फील्ड्स कुछ भी रहने दो वो वैल्यू स्टोर करने के लिए ये वाले यूनिकोड्स हम यूज करते हैं ओके लेट मी शो यू समथिंग मोर ठीक तरह से ठीक कर दिया था यूनिकोड्स फॉर दिस देखो ना कैरेक्टर एट द रेट कैरेक्टर है ए बी सी डी ई एफ जी एच ये एक एक कैरेक्टर है ना यस एक एक कैरेक्टर है ना तो ये कैरेक्टर्स होल्ड करने के लिए ये वाला है अपना यूनिकोड और ये यूनिकोड स्टोर करने के लिए हमें लगते हैं 2 bytes हाउ मेनी bytes वी रिक्वायर्ड 2 bytes यानी कि दुनिया में कौन सा भी कैरेक्टर रहने दो वो कैरेक्टर होल्ड करने के लिए विल हैव 1 unicode और वो यूनिकोड का साइज है 2 bytes दैट्स इट अब कौन सा भी कैरेक्टर होल्ड देखो आपको चाहिए 1 2 3 4 1 देखो ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्टार है प्लस है कॉमा है माइनस है हैश है ऐसे कुछ भी रहने दो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी है ना वो सारे एक 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 चीजें उसका यूनिकोड यहाँ पे होता है और वो यूनिकोड स्टोर करने के लिए हमें लगता है 8 byte समझ में आ रहा है गाइज कि कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है एवरीवन
कि ओके ठीक है ओके तो फाइन यानी कि कैरेक्टर्स जैसे कि मेरे पास ए है बी है सी है टिल झेड ओके देन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी टिल झेड ओके मेरे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है एट द रेट है हैश है डॉलर है ये सारे जो सिंबल्स है एक एक कैरेक्टर से राइट तो एक एक कैरेक्टर्स होल्ड करने के लिए मुझे यूनिकोड्स लगते हैं और एक यूनिकोड का साइज होता है 2 bytes दैट्स इट इतना ही है डोंट मेक इट मोर क्रिटिकल ओके उतना ही ठीक है फाइन गाइज समझ में आ रहा है यहां तक हाँ नाउ बुलियन में हम क्या स्टोर करते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स ओके यानी कि एक आधा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है उसका स्टेट बताने के लिए हम बुलियन डेटा टाइप लेंगे ओके वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में आगे आते रहेंगे हमारे पास जब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा ओके तो ये जो बुलियन जो है ना तो बुलियन कोई मेमोरी का स्पेस नहीं यूज करता ओके इसलिए इसका साइज कुछ डिफाइन नहीं है तो ये क्या यूज करता है आपके सिस्टम पे एक वर्चुअल मेमोरी होता है ओके वर्चुअल मेमोरी तो वर्चुअल मेमोरी बेस्ड एलोकेशन होता है ओके तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है सो वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे होता है अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर्स पे तो वहीं पे होता है तो वर्चुअल मेमोरी यूज करता है आपका बुलियन ओके तो ये चीज है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप सो नेक्स्ट वन है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जहां पे एक होता है स्ट्रिंग एक होता है एरे ओके ये हम चीजें आगे है वो देखेंगे हम डिटेल में बट एज ऑफ नाउ इन डेटा टाइप्स विल हैव वन प्रिमिटिव एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव अंडर दिस प्रिमिटिव विल हैव नंबर्स फ्लोट कैरेक्टर एंड देन विल हैव दिस बुलियन ओके एंड देन प्रिमिटिव में एक है मेरे पास स्ट्रिंग एंड देन एरे ये हम कल देखेंगे ओके बट नाउ अभी तक ये कॉन्सेप्ट ठीक तरह से समझ में आया क्या सबको दिस नंबर क्या है फ्लोट क्या है कैरेक्टर क्या है और बुलियन क्या है इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी गाइस ऑन दिस ये वाले Anyone is having any doubt, then ask me. अगर नहीं है तो आगे बढ़ो और ये वाला प्रोग्राम करके दिखाओ छोटा वाला Hardly 5 lines का कोड है I'm expecting this from everyone. क्या करना है सबसे पहले बाइट देखे देखो ओके देन शॉर्ट दे दो देन इंट दे दो देन लॉन्ग ओके एंड ट्राई विद दैट एवरीवन नाउ इमीडिएटली डू इट आर यू गाइस आर डूइंग ये कैसा है Yes, guys. If you guys are done, then please post it in the chat box. Power cut here. Okay. Okay, Ajay. What about others?
चलो राजेश सेज जावा नॉट इंस्टॉल्ड येट, नहीं करना चाहिए, कब करोगे? मैं बोला था कि इंस्टॉल करके रखो, राजेश के पास भी प्रॉब्लम है, चलो अजय के पास भी प्रॉब्लम है, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? सुमित, अमर, अश्विन, भावना, भक्ति, दर्शन, वैष्णवी, समीना, सबके पास जावा इंस्टॉल है ना, एंड एवरीवन इज